नमस्कार, मैं सोनी माधिया और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। देश में कोरोना विस्फोट, एक दिन में 1.31 लाख नए केस, 780 मरीजों की गई जान। देश में कोरोना वायरस हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। एक दिन में अब तक के सबसे अधिक 1,31,968 नए केस सामने आए हैं और 780 मरीजों की जान गई है। इससे एक दिन पहले 1,26,265 लोग संक्रमित हुए थे। कोरोना से रिकवरी रेट घटकर 91.67% रह गया है और एक्टिव मामलों की दर बढ़कर 7.4% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, तमिलनाडु, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और केरल में कोरोना मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं अब तक 9,43,34,262 लोगों को टीके लगाए गए हैं। दिल्ली में आधी से ज्यादा आबादी की जांच, फिर भी नहीं रुक रही कोरोना की रफ्तार। देश के साथ ही दिल्ली में भी कोरोना की लहर तेज होती जा रही है। पिछले साल जून से लेकर अब तक दिल्ली में 5 सीरो सर्वे हुए हैं। 2 करोड़ से अधिक आबादी वाली दिल्ली में 8 अप्रैल तक लगभग 1.52 करोड़ लोगों की कोरोना जांच हुई है। इन सब के बावजूद कोरोना की रफ्तार रुक नहीं रही है। दिल्ली में एक दिन में 7,437 नए मामले सामने आए हैं। 139 दिन बाद दिल्ली में एक दिन में नए केस की संख्या 7,000 के पार पहुंची है। इससे पहले 19 नवंबर को दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 7,546 मरीज मिले थे। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार दिल्ली में संक्रमण दर 6.1% से बढ़कर 8.1% हो गई है। यूपी बिहार के भी कई जिलों में कोरोना वैक्सीन खत्म, टीकाकरण पर असर। कोरोना वैक्सीन को लेकर महाराष्ट्र और केंद्र सरकार में जारी तकरार के बीच यूपी और बिहार के भी कई जिलों में वैक्सीन खत्म हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बुधवार रात वैक्सीन खत्म होने के कारण पहले डोज का टीकाकरण रोक दिया गया है। गुरुवार को जौनपुर और चंदौली में कोरोना वैक्सीन खत्म हो गई। मिर्जापुर और गाजीपुर में भी स्टॉक करीब खत्म होने की कगार पर है। आगरा में वैक्सीन खत्म हो गई है। मेरठ, गाजियाबाद में भी कोरोना वैक्सीन की कमी हो गई है। बिहार के दरभंगा, समस्तीपुर समेत कई जिलों में वैक्सीन खत्म होने से टीकाकरण ठप हो गया है। कई वैक्सीन सेंटर्स पर पहुंचे लोगों को बिना टीका लगाए वापस भेजा जा रहा है और वैक्सीन खत्म होने के नोटिस लगा दिए गए हैं। केंद्रीय बलों पर टिप्पणी के मामले में चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को भेजा एक और नोटिस। पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान के बीच चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक और नोटिस भेजा है। ये नोटिस केंद्रीय बलों पर की गई टिप्पणी के मामले में भेजा गया है। चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी से 28 मार्च और 7 अप्रैल को केंद्रीय बलों के खिलाफ टिप्पणी को लेकर 10 अप्रैल तक जवाब मांगा है। ममता बनर्जी ने कहा था कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवान गांवों में लोगों को डरा धमका रहे हैं। इससे पहले टीएमसी ने आरोप लगाया था कि केंद्रीय सुरक्षा बल मतदाताओं को पोलिंग बूथ पर जाने से और वोट डालने से रोक रहे हैं। ममता बनर्जी ने यह भी कहा था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर सीआरपीएफ के जवान मतदाताओं को परेशान कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी को भी चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस, भाकपा माले ने की थी शिकायत। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी को पिछले महीने दिए गए एक भाषण में कथित तौर पर सांप्रदायिक लहजा होने को लेकर नोटिस भेजा है। शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम विधानसभा सीट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ भाजपा उम्मीदवार भी हैं। उन्होंने चुनाव आयोग के नोटिस में कहा गया है कि भाकपा की केंद्रीय समिति की सदस्य कविता कृष्णन ने आरोप लगाया है कि 29 मार्च को शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में नफरत भरा भाषण दिया था। आदर्श आचार संहिता के अनुसार दूसरे राजनीतिक दलों की आलोचना उनकी नीतियों और कार्यक्रमों, अतीत के रिकॉर्ड और काम तक सीमित होगी और वोट हासिल करने के लिए जाति या संप्रदाय के आधार पर कोई अपील नहीं की जाएगी। जम्मू कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया है, जबकि 3 जवान घायल हुए हैं। घायल जवानों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से एक जवान की हालत गंभीर बताई जा रही है। कुछ आतंकी अभी भी एक धार्मिक स्थल में छिपे हैं। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है।
इससे पूर्व खुफिया एजेंसियों को त्राल के नोबुग इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। इस पर पुलिस और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया और स्थानीय लोगों की मदद से आतंकवादियों को बाहर आने और आत्मसमर्पण करने के प्रयास किए, लेकिन आतंकी आत्मसमर्पण के लिए राजी नहीं हुए और सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी थी। यूक्रेन को लेकर यूरोप में युद्ध का खतरा, रूसी युद्ध पोतों का जवाब देगा अमेरिका। यूक्रेन की पूर्वी सीमा पर रूस के बड़े पैमाने पर टैंक और युद्ध पोत तैनात करने के बाद यूरोप में युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। रूसी चुनौती का जवाब देने के लिए अमेरिका ने भी तैयारी कर ली है। यूक्रेन के प्रति पूरा समर्थन दिखाने के लिए अमेरिका अपने युद्ध पोत काला सागर में तैनात करने पर विचार कर रहा है। हालांकि अमेरिकी नौसेना समय समय पर काला सागर में गश्त लगाती रहती है, लेकिन युद्धपोतों की तैनाती से अमेरिका अब रूस को सीधा संदेश देगा। 1936 में हुई एक संधि के अनुसार काला सागर के समुद्री रास्ते पर तुर्की का नियंत्रण है और नियमानुसार यहां जाने के लिए अमेरिका को 14 दिन पहले नोटिस देना जरूरी है। यह अभी स्पष्ट नहीं है कि अमेरिकी नौसेना ने तुर्की को ऐसा कोई नोटिस दिया है या नहीं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ लाइव।